हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कलर करके दिखाऊंगा शिव जी का ये वाला पिक्चर, जो कि पहली वीडियो में मैंने इसका आउटलाइन ट्यूटोरियल दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा। इसको हम कलर करेंगे डॉम्स के सुपर सब कलर पेंसिल से। ये काफ़ी अच्छा है, आप लोग परचेस कर सकते हो। मुझे ये ऑफलाइन मार्केट पे 220 रुपीज़ में मिल गया था। ऑनलाइन मार्केट पे प्राइस थोड़ा हाई रहेगा, मगर इसका बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस ड्राइंग पे लाइटर सेट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं अप्सरा का ग्लास मार्किंग पेंसिल। ये भी ऑफलाइन मार्केट से आपको 6-7 रुपये ईजिली पड़ जाएगा, और इसका भी बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा। कलर को ब्लेंड करने के लिए हमने यूज़ किया है एयरब्रश का, ये ऑफलाइन मार्केट पर आपको ईजिली मिल जाएगा। सो इस ड्राइंग को कलर करने से पहले हम पहले इरेजर से पेंसिल लाइन को अच्छे से इरेज कर लेते हैं, फिर पहले डार्कर शेड को अप्लाई करेंगे और धीरे धीरे करके लाइट शेड को अप्लाई करेंगे। इसी मेथड से हम इस ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे। मैं इधर रेफरेंस के अकॉर्डिंग कलर कर रहा हूँ, और आपको भी इसका रेफरेंस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो मैं कैसे यहाँ कलर कर रहा हूँ। पहले मैं डार्कर शेड को इधर अप्लाई किया हूँ, फिर ग्लास मार्किंग पेंसिल से लाइटर शेड को अप्लाई कर रहा हूँ। इसी मैटर से आप भी इस ड्राइंग को करना, फिर बाद में जहाँ पर और डार्कर शेड रहेगा वहाँ पर आप डार्कर शेड को अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप लोग ये वीडियो देखते हो तो वीडियो सिर्फ देखो मत, तो ट्राई भी करना। आप लोग चाहो तो ड्राइंग बना के मुझे इंस्टाग्राम पे टैग भी कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप चाहो तो वहाँ से मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं आईलाइंस को करने के लिए ग्राफाइट पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। ये 8B है, आप चाहो तो 6B या 10B भी यूज़ कर सकते हो, मगर पेंसिल थोड़ा डार्कर होना चाहिए। फिर मैं एयरब्रश के सहारे इसको ब्लेंड कर रहा हूँ। और अगर आप लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हो और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे इसे देख रहे हो तो पेज को एक फॉलो कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और आप लोगों को ये ड्राइंग या ट्यूटोरियल कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जाती है। तो आप लोग ये ट्यूटोरियल को कम्प्लीट वॉच करना, क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत फास्ट कर दिया है मैंने, तो आप लोग अगर स्किप करोगे तो आप लोगों को समझ ना भी आ सकता है, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखना। अमृत सभी मैं बांट के प्यारा विश्व तूने खुद पिया। नमो नमो शंकर भोले नाथ शंकर चले ये सांस के।
तो आप लोग इधर पे देख सकते हो इस ड्राइंग का जो अपर पार्ट है वो हमने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर दिया है। सेम मेथड से ही हम लोअर पार्ट को भी इधर कंप्लीट कर लेंगे। इधर मैं रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही कलर कर रहा हूँ और इसी तरह से ही धीरे धीरे इस ड्राइंग को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और कलर करते टाइम एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी पेंसिल पे इस्तेमाल करो तो बहुत ही हल्के से इस्तेमाल करो क्योंकि बाद में से ब्लेंड भी करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हो हमारा जो मेन ड्राइंग है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम लोग इस ड्राइंग का बैकग्राउंड भी कर लेंगे। बैकग्राउंड काफ़ी लाइट होगा तो इधर ज़्यादा डार्क कलर का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे और इधर अक्सर आप ग्लास मार्किंग पेंसिल इस्तेमाल करेंगे। पहले तो हम रेफरेंस के अकॉर्डिंग कलर करेंगे, उसके बाद अक्सर आप ग्लास मार्किंग पेंसिल यूज़ करेंगे और उसके बाद एयरब्रश से ब्लेंडिंग कर लेंगे। सो इसी मेथड से बैकग्राउंड को हम इधर कर लेंगे। और ड्राइंग हो जाने के बाद सबसे आखिर में हम लोग व्हाइट फैब्रिक से इधर लाइट खींच रहे हैं ताकि इधर हाईलाइट ऐड कर सके। आप लोग चाहो तो यहाँ पर एक्रेलिक व्हाइट का भी यूज़ कर सकते हो। सो इधर यहाँ पे ये हमारा ड्राइंग का फाइनल लुक है। आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।